Morning dear student, welcome to online class. This is the class of science of standard 7. Student, हम discuss कर रहे थे chapter 15 that is forest our lifeline, जिसमें हमारा आज का topic था, sorry आज का topic है uses of forest. आप जानते हैं ये forest का हमारी daily life में बहुत ज़्यादा important role है. आपको पता होगा कि जो earlier men and women थे वो totally dependent थे for their food, for their survival, for the clothing and for the shelter depending on forest. Okay, so धीरे धीरे techniques develop हुई और उससे फिर हमें food के लिए और food को grow करने के लिए छोटे छोटे forest के land को क्या करना पड़ा, clear करने पड़ा. लेकिन आज भी हम लोग जो हैं forest पर depending है. हमारी कुछ needs ऐसी हैं जो still fulfill from the फॉरेस्ट. क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सोर्स ऑफ फूड. आपको पता है कि फ्रूट्स एंड जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये आज भी हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं. और जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स या एनिमल्स जो होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड, शेल्टर एंड देयर सर्वाइवल फॉर द फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट है रेगुलेट क्लाइमेट. आपको पता है जो क्लाइमेट होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं. यानी कि मोर प्लांट्स कैसे करते हैं कि वो जो ग्राउंड वाटर होता है उसको क्या करते हैं, अपनी रूट से एब्जॉर्व कर लेते हैं और वाटर वेपर के फॉर्म में उसको बाहर निकालते हैं, जिससे एयर क्या रहती है, कूल हो जाती है एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग द रेन, जिससे क्या हो जाती है, रेन होती है. ठीक है, ये और क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर प्लांट्स क्या करते हैं, एक फूड बनाने की प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. उसमें वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. तो इस तरह से इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, रेगुलेट रहता है. अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो प्लांट्स में पाई जाती हैं और जो कि वाइल्ड यानी कि जो फॉरेस्ट ट्रीज होती हैं उनसे हमें मिलती है. ठीक है, आप अगर एक सिंपल सा ट्री या श्रब देखें तो तुलसी का पौधा जो कि सबके घरों में होता है, नीम, ये भी क्या है, एक तरह का मेडिसिनल प्रॉपर्टी का ट्री होता है. ठीक है, और एक बहुत ही नॉर्मल डिसीज़ है दैट इज़ मलेरिया, जो आप अक्सर आपने सुनी होगी, तो वो भी एक शिनकोना नाम का ट्री होता है जिसकी बार्क से क्विनाइन बनाई जाती है, वो यूज़ की जाती है. ठीक है, तो फिर इसी तरह से और सारे मैंने बता दिया, नीम है, यूकलिप्टस है, आंवला है, कसावा, ये सारे क्या होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं. अ सोर्स ऑफ वुड, वुड का सोर्स भी क्या होता है, फॉरेस्ट होता है. ये वुड कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन, हाउस बनाने में, फर्नीचर बनाने में और बिल्डिंग शिप्स को बनाने में इसका यूज़ होता है. कौन कौन से पेड़ हैं, टीक है, शीशम है, रोज़वुड है, ओक है, ये सारे हैं, सैंडलवुड है, ये सारे चीज़ें क्या हैं, ये जो पेड़ हैं इनसे हमें क्या मिलती है, वुड मिलती है. और ये कैसे हैं, वाइल्ड